हेलो एवरीवन, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास एक्वेरियम होगा आई गेस, और 101% आपने भी ये सिचुएशन फेस की होगी जब आपके फिशेस को वाइट स्पॉट डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि ये बहुत कॉमन डिजीज़ है फिशेस में। चाहे आपके पास गोल्ड फिश हो, चाहे आपके पास मॉन्स्टर फिश हो, चाहे आपके पास छोटी गप्पीज़ या मॉलीज वगैरह कोई भी फिश हो, ये सभी फिशेज़ में बहुत कॉमन डिजीज़ है, और जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इनको ये बीमारी लगती है, हमें क्योर कैसे करना चाहिए, और कुछ सिम्टम्स भी बताऊँगा जिससे कि आपको थोड़े पहले ही पता चल जाएगा कि आपके फिशेज़ को ये डिजीज़ लग गई है। तो गाइज़, आज हम इस बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आप लोगों को एक लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, जिसको कि मैंने अभी 2 हफ्ते पहले मेरे फिशेस को हुआ था। मैंने कुछ उनके वीडियो शूट किया था जब उनके वाइट स्पॉट हो गए थे, तो उसके बाद मैंने इनको कैसे क्योर किया और क्या क्या प्रोसेस मैंने फॉलो किया, जिसकी वजह से आज ये बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव है मेरी फ़िशेस। आप देख सकते हैं अभी टैंक जो मैं वीडियो में दिख रहा है आपको, तो ये वही फ़िशेस हैं। तो अभी मैं आपको फुटेज भी दिखाऊंगा, और प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया था और किस वजह से मेरी फ़िशेस अभी दोबारा से रिकवर हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, कि सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने को मिलता है जब इनको वाइट स्पॉट डिजीज़ हो जाते हैं हमारे फिशेस को। सो सबसे पहले तो हमें फिशेस को देखना चाहिए, फिशेस की जो बॉडी है और जो उनके फिन्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा कुछ वाइट कलर के डॉट्स डॉट्स टाइप के बने होते हैं, और कभी कभी आपको वाइट पैचेस भी दिख सकते हैं उसमें। और अगर उनकी सीरियस है थोड़ी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा बीमार हैं अगर वाइट स्पॉट से वो लोग, तो उनमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि उनके जो फिन्स वगैरह और बॉडी पार्ट्स में वो काफ़ी रेडनेस भी देखने को मिल जाता है हमें उनमें। तो हमें इन चीज़ों से पता चल जाता है कि उसको पक्का वाइट स्पॉट डिजीज़ हो गए हैं। और उसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब वो लोग स्विम कर रहे होते हैं तो जो आपका सरफेस है एक्वेरियम का, वहाँ पर वो लोग फ्लोट कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं ऑक्सीजन लेने की, और अदरवाइज़ वो लोग बॉटम में भी हो सकते हैं एक्वेरियम के, बिना मूवमेंट के वो लोग बैठे रहते हैं एक ही जगह पे। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि उनके फिन्स में सारे वाइट स्पॉट डिजीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मूवमेंट करना भी बहुत मुश्किल होता है, स्विम करना मुश्किल होता है। तो हमें इन सब चीज़ों से पता लग जाता है कि उनको वाइट स्पॉट डिजीज़ हो गया है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लग जाते हैं। सो गाइज़, मैं आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो लास्ट वीक की है मेरी इसी एक्वेरियम की, जिसमें कि मेरे सारी की सारी फ़िशेस को ये वाइट स्पॉट डिजीज़ हो गया था, और आप देख सकते हैं क्लिप में भी कि सारी की सारी फ़िशेस इन्फेक्टेड हैं। तो बात कर लेते हैं ये किस तरह से और क्या रीज़न्स रहता है, क्यों होता है ये डिजीज़ फ़िशेस को, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइज़, रीजंस जो हैं वाइट स्पॉट डिजीज़ के, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट इनमें से जो कॉमन रीजंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कि फर्स्ट ये है, जब आप कोई भी एक्वेरियम फ़िश अगर लेके आते हो अपने एक्वेरियम के लिए, तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि वो फ़िश हेल्दी हो, क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी एक हेल्दी एक्वेरियम है और उसमें आप कोई नई फ़िश ऐड करते थे जो इन्फेक्टेड है वाइट स्पॉट डिजीज़ से, तो वो क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के कारण वो आपके सारे फ़िशेज़ में भी फैल जाती है वो बीमारी। तो आपको हमेशा जब भी आप कोई फ़िश अगर इंट्रोड्यूस करो अपने एक्वेरियम में, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि वो फ़िश हेल्दी हो। ये कैसे करेंगे आप? आप कभी भी एक्वेरियम में जब आप फ़िश ख़रीदते हैं तो आपको ये देखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि जिस टैंक में वो फ़िश है, जो फ़िश आप लेके आ रहे हो, वो टैंक साफ़ है कि नहीं है, बहुत गंदा टैंक तो नहीं है, मछलियाँ मरी हुई तो नहीं है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए जब भी आप कोई नया फ़िश इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टैंक में। सो जब हम लेके आते हैं नए फिश अपने घर पे अपने एक्वेरियम के लिए, तो हमें एक और चीज़ करनी चाहिए जिसको क्वारंटीन बोलते हैं। हमें फ़िश को लेके आने के बाद 1 से 1.5 हफ्ते तक उसको अलग एक अलग टैंक में रखना चाहिए, और उसको ट्रीट करना चाहिए मेडिसिंस के साथ, ताकि उसके जो भी बीमारी है वो सारी ख़त्म हो जाए, और उसके बाद हमें अपने मेन टैंक में ऐड करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि फ्रेंड, जब हम किसी शॉप से लेके आते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ज़्यादातर क्या होता है कि वो फ़िशेज अनहेल्दी होती है, क्योंकि उसको इतने अच्छे से टेक केयर उसकी नहीं होती है वहाँ पर, और इतने बार उसको ट्रांसफ़र किया जाता है इधर से उधर, तो फ़िशेज़ बहुत अनहेल्दी हो जाती है। तो उसकी वजह से हमें उसको एक अलग जगह पे अलग टैंक में रख के उसको ट्रीट करना चाहिए लगभग 1 से 1.5 हफ्ते, और उसके बाद हमें अपने मेन टैंक में उसको ऐड करना चाहिए। तो इसमें जो सेकंड रीज़न है वो है वाटर पैरामीटर। अगर हमारी पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब होगी और हमने बहुत टाइम से अगर पानी चेंज नहीं किया है, तो उसकी वजह से पानी में बहुत सारे पैरासाइट्स बन जाते हैं जो कि आपके फ़िशेज़ को वाइट स्पॉट डिजीज़ दे देते हैं।
सो गाइस, वाटर क्वालिटी अच्छी करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा वाटर चेंज टाइम टू टाइम करना है, हर 2 हफ्ते में आपको वाटर चेंज करना है, और इसके साथ साथ आपको फ़िल्टर को भी साफ़ करना पड़ेगा। अगर आपका वॉशेबल पैड्स हैं तो आपको वॉश करके उसको हर 2 हफ्ते में वॉश करके आपको डालना पड़ेगा, और अगर आपका वन टाइम यूज़ वाला है तो आप 2 हफ्ते या 1 महीने में उसको चेंज कर सकते हैं, और इससे आपकी वाटर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपके फिशेज भी हेल्दी रहेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो गाइज़, ये तो 2 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से आपके फिशेस को वाइट स्पॉट डिजीज़ हो जाते हैं। वैसे और भी रीजंस हो सकते हैं, बट ये दो रीज़न मैंने बताए, ये बहुत कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे फिशेस को वाइट स्पॉट हो जाते हैं। सो गाइज़, अब बात करते हैं कि इनका क्योर कैसे करना है हमें, अगर आपके फिशेस को हो जाती हैं या अभी हो गया आपके फिशेस को, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको क्योर कैसे कर सकते हो आप। सो गाइस, क्योरिंग का जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा वाटर चेंज। हमें वाटर चेंज करना पड़ेगा 70-80%, कम से कम 4 या 5 दिन तक हमें ये करना है, और इसका रीज़न ये, हमें नॉर्मल तो हम 50% वाटर चेंज करते हैं, बट इसमें क्या है कि जब ये डिजीज़ हमारे फिशेस को हो जाती हैं तो ये सारे के सारे पानी में फैले हुए होते हैं, प्लांट्स में, आपका सबस्ट्रेट में, तो हर जगह पे ये आपके फैले होते हैं, तो इस वजह से हमें एक मैसिव वाटर चेंज करना पड़ता है, जो कि 70-80% आपको करना पड़ेगा, और वो भी आपको हर दिन करना है 4 से 5 दिन तक कंटिन्यूसली 24-24 घंटे के गैप में। सो गाइज, हमें वाटर के साथ साथ हमें फ़िल्टर भी साफ़ करना है जितने बार हम वाटर चेंज करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जितने बार पानी हमारा फ़िल्टर होता है तो हमारे पैरासाइट्स वगैरह फ़िल्टर में भी बच जाते हैं, तो हमें पैरासाइट्स को पूरी तरह से निकालना है अपने एक्वेरियम से। सो गाइस, सेकंड स्टेप जो क्योरिंग का है वो है आपका मेडिकेशन। हम पानी से सारा पैरासाइट चेंज करके, पानी वाटर चेंज करके निकाल भी लेते हैं, बट हमारी फिशेस बीमार रहती है उसमें, तो हमें फिशेस को ठीक करने के लिए, जल्दी ठीक करने के लिए कुछ मेडिकेशंस डालनी पड़ेंगी उसमें, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, हमें सिर्फ 4 चीज़ें डालनी हैं। पहला है आपका एंटीज, ब्लू कलर का जो आता है, रिडॉल का आता है, अगर आप किसी और ब्रांड का यूज़ करना चाहते हो उसका भी यूज़ कर सकते हो आप। और सेकेंड हमें डालना है जनरल एड, और थर्ड हमें डालना है एंटी क्लोरिन, अगर आप टैप वाटर यूज़ करते हो। अगर आप सबमर्सिबल का पानी यूज़ करते हो तो एंटी क्लोरिन डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो चौथी चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको रॉक सॉल्ट डालना है उसमें, अकॉर्डिंग टू आपके टैंक कितना बड़ा है आपको, उस हिसाब से आपको रॉक सॉल्ट डालना ही है। और ये सारी चीज़ें आपने जितने बार आप वाटर चेंज करते हो आपको हर बार डालना ही है इस चीज़ को। थर्ड स्टेप जो है हमारा क्योरिंग का, वो है हमारा वाटर टेम्परेचर। देखिए, जो वाइट स्पॉट डिजीज़ है वो आपके सर्दियों में, गर्मियों में, हर टाइम में हो सकता है, तो गर्मियों में आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है समर्स में, बट आप जब सर्दियां आती है तो आपको हीटर लगाना पड़ेगा उसमें, कम से कम 28-30 डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर सेट करके लगाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर भी मेनटेन करना है आपको इसमें। सो ये 3 सिंपल स्टेप्स थे जिससे कि आप अपने फिशेस को क्योर कर सकते हो अगर उनको वाइट स्पॉट डिजीज़ है। जैसे कि मेरी भी फिशेस को लास्ट वीक हुआ था, तो मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया था जिससे कि मेरे सारे के सारे फिश अभी हेल्दी हैं और सारे के सारे डिजीज़ फ्री हैं, अभी किसी को भी वाइट स्पॉट नहीं है और सारे के सारे अभी एकदम एक्टिव हैं। सो ये जो मेरा प्रोसेस था, ये मैंने अपने पूरे टैंक में किया था, क्योंकि मेरे सारी के सारी फिशेस इन्फेक्टेड थी और पूरा टैंक इन्फेक्टेड था मेरा। अगर इनकेस आपके साथ ऐसा नहीं होता है, आपके सिर्फ 1 या 2 फिशेस ही इन्फेक्टेड होती हैं, तो आप उनको सिर्फ उन्हीं फिशेस को अलग रख के ट्रीट कर सकते हो, सेम प्रोसेस, बट आपको अलग टैंक लेना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपके पास टैंक नहीं है, ऑल्टरनेट टैंक, तो आप किसी बकेट या टब वगैरह में भी कर सकते हो, अगर 1-2 फिशेज़ हैं, पूरे टैंक में करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि क्या है कि जो फिशेज़ नॉर्मल हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर आप इतने बार वाटर चेंज करोगे और इतना मेडिकेशंस अगर उनके साथ करोगे, तो इसलिए रिकमेंडेड ये रहता है अगर आपके 1-2 फिशेज़ ही अगर इन्फेक्टेड हैं तो उनको आप अलग ट्रीट कीजिए। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको स्टिल कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं, एक्वेरियम कीपिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।